नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशली भंडारी। चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का 54वां आरआर के भारतीय वन सेवा परिवेक्षणार्थियों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। आपको बता दें कि वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित हुए समारोह में राष्ट्रपति ने दीक्षांत प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के साथ कई अवार्ड प्रदान करे। उधर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिखा, आधुनिक एवं सशक्त ग्राम पंचायतें विकसित भारत की शानदार तस्वीर पेश करती है। हमारी डबल इंजन सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त बनाने के अपने संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं। त्रिस्तरीय पंचायतें स्वावलंबी व स्वायत्त हो, इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है। पंचायतों को ई स्वरूप देकर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव व राधा रतूड़ी ने सचिवालय में वर्चुअल बैठक ली, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों के डीएम एसएसपी और साथ ही डीएफओ मौजूद रहे। बैठक में जंगल की आग के रोकथाम के लिए किया जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई और इस दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जंगलों में आग से बचने के प्रयासों में किसी भी स्तर पर कोई कमी न हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर रुड़की में ईद मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने दावा किया है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। हरीश रावत ने कहा है कि पहले चरण के मतदान से बीजेपी बौखलाई हुई है और अभी आने वाले चरणों में बीजेपी की हालत और भी खराब होने वाली है। हमारा कार्यकर्ता देश भर में उत्साहित है। पहले चरण का चुनाव कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने जीत लिया है, इंडिया ने जीत लिया है और दूसरे चरण को हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पक्ष में हवा है इस समय और ये इस बात से भी साफ हो जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित सारे भाजपा वाले बौरियाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। निश्चित तौर पर है, धरती बता रही है कि इस बार लोगों ने अपने लिए वोट दिया है, बदलाव के लिए वोट दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से त्रस्त जनता ने अपने मुद्दों को देख करके वोट किया है। उधर उत्तराखंड में प्रथम चरण में ही पांचों लोकसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। मतदान के समाप्त होने के बाद पहली बार पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रत्याशी गणेश गुदियाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने गणेश गुदियाल की शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनके जीत कामनाएं की है और साथ ही साथ उन्होंने पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ओर से विजय पताका फहराए जाने की बात कही। तो वही हमारे संवाददाता ने गणेश गुदियाल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी जीत की बात करते हुए कहा कि ये तो जनता का फैसला है और जनता का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य फैसला होगा। आगे गणेश गुदियाल ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए आप। उत्तराखंड में पहले चरण में ही मतदान समाप्त हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद हमारे साथ हैं पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी गणेश गुदियाल। सर, सबसे पहले तो आज आपका जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से पौड़ी गढ़वाल में आपके दूसरे विपक्ष में अनिल बलूनी थे और आपके बीच कांटे की टक्कर रही, वहीं पर कई ऐसी भी मतभेद भी ऐसे जन्म लिए जो भाजपा के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया, आप किस आधार पर इस आरोप को देखते हैं? कौन से आरोप? उदाहरण एग्जाम्पल के लिए कौन से आरोप की बात कर रहे हैं? सर, जैसे आपकी प्रशिक्षण को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, और आप बाहर से हैं। मैंने अपने एफिडेविट में ये बात सार्वजनिक की है कि मैं ग्रेजुएशन तक मैंने शिक्षा प्राप्त की है,
आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर उन्हें मेरी शिक्षा पर कोई शक है, मेरे प्रमाण पत्रों पर, शैक्षणिक मेरे ज्ञान पर, तो उन्हें शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी शैक्षणिक योग्यता और मेरे प्रमाण पत्रों पर उन्हें शक है, तो उनके पास पुलिस है, उनके पास सरकार है, उनके पास CBI है, क्यों नहीं वो इसकी जांच करते हैं और मुझे कानून के अंतर्गत सजा देते हैं? वो करें ना, जांच करें ना अगर गलत है। पर चुनाव के टाइम भी एक झूठ का पुलिंदा बना देना, झूठ खबर फैला देना, उससे भी पूरा नहीं पड़ेगा, उससे भी वो जीत रहे कि जो चेष्टा रखते हैं उनकी चेष्टा पूरी नहीं होगी। सर, आपने सरकार पर भी आरोप लगाया कि पौड़ी गढ़वाल में शराब की काफी ज्यादा बिक्री हो रही है, खपत हो रही है, शराब पकड़े गए। आपने चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा कि क्या ये मैटर था, क्या कुछ उस पर कार्रवाई? मैंने खपत और बिक्री की बात कहीं कही नहीं। मैंने शराब पकड़वाई, ये सच है, 9,500 केसेस पेटियां शराब की वहां मिली, वो सीज हुई, वो 19 तारीख तक नहीं बटी, ये हमारी जीत है। दूसरी बात की शराब की खपत बढ़ रही है, शराब बेचने का कारोबार सरकार कर रही है, ये मैंने आरोप लगाया, ये सही है। मैंने सुना था कि गांव में कहीं दूर दराज के गांव में बैंकों की शाखाएं खुलती हैं। अब पहली बार सुन रहा हूं कि बाजार की एक दुकान की गांव में शाखा खुल रही है शराब की। तो शराब की दुकानों की शाखा खुलना इस सरकार में पहली बार हमने सुना। तो इससे तो सरकार युवाओं को शराब में धकेल रही है, नशे में धकेल रही है। तो हम विपक्ष में है और ये विपक्ष का कर्तव्य है कि सरकार की गलत नीतियों को हम पर्दाफाश करें। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। सर, अभी चुनाव तो बाकी है, जिसमें भाजपा के द्वारा, मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मंगलसूत्र यदि कांग्रेस आती है तो वो भी पहनने लायक नहीं रहेगी। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन यदि जीत जाती है तो जीतने के बाद वो सारे संसाधन अल्पसंख्यकों को जाएगी। परसवान जी क्या कह रहे हैं? मुझे हंसी आती है, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य कम से कम इस लायक हो कि हम उस पर कुछ कमेंट करें। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है मंगलसूत्र पर खतरा हो जाएगा। अरे भाई, मंगलसूत्र पर 65 साल कांग्रेस रही और आम आदमी को इस लायक बनाया कि वो अपनी मंगेतरों को अच्छा उम्दा मंगलसूत्र दे सके, क्रय शक्ति बढ़ाई, सोने की कीमत को कंट्रोल रखा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सोने की कीमत 30,000 से सीधा आज 78-76,000 तक चली गई है। तो हमें हंसी आएगी कि 30,000 से सोने की कीमत को 76,000 करने वाला व्यक्ति बोल रहा है कि मंगलसूत्र में खतरा हो गया। तो गजब की बात है, मतलब हंसी आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों को देखा जा रहा होगा तो लोग हंस रहे होंगे। तो इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए और आप अपने चुनाव जीतने को अपना धर्म बना लें, ये उचित बात नहीं। अल्पसंख्यकों को जो इंडी गठबंधन सारे जमीन और सारी संपत्ति में देगी, उन्होंने ये कहा कि अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, उनकी तादाद ज्यादा हो रही है। और ऐसा वो आदमी कह रहा है जो स्वयं 6 भाई बहनों में एक हो, जो 6 भाई बहनों में एक हो, वो आदमी कह रहा है कि दूसरे के ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्या बोले, लोग सब देख रहे हैं। सर, अंतिम प्रश्न, क्या लोकसभा में 5 सीट पर कांग्रेस काबिज होगी या क्या आप संभावना जता रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये जनता का अधिकार है कि जनता किसको जिताना चाहे। और जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं, लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, मुझे विश्वास है कि जो वोटर जो शांत दिख रहा था, चुपचाप दिख रहा था, इसके पीछे कुछ बड़ा राज है। और मुझे यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है कि 5 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करे। सर, भाजपा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग से कंपेयर किया, उनके पास और चुनाव जीतने के लिए क्या है? कांग्रेस ने अगर किसी के हित की बात लिखी है तो उस धर्म के लिए नहीं लिखी है। इस देश में जो गरीब हैं, जो तबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने की नीयत से लिखा है। अतीत से लेकर अब तक इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने गरीब और दलित और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे पीड़ा है, भारतीय जनता पार्टी को इससे दर्द है। तो जब इससे इस बात से उन्हें दर्द है तो उनकी छटपटाहट दिख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और केंद्र की सरकारें ये बताए कि उन्होंने 10 साल में कितने दबे कुचले लोगों का भला किया, कितने गरीबों का भला किया, कितने महिलाओं को उनकी योजनाओं से फायदा हुआ, कितने युवाओं को उनके योजनाओं से लाभ मिला, नौकरियां लग गई, रोजगार मिल गया, ये बताए ना। वो फजूल की बातें क्यों कर रहे हैं? तो फजूल की बातें इसलिए कर रहे हैं कि वो फजूल की बातों पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए फजूल की बातें कर रहे हैं।
तो हमारे साथ थे कांग्रेस प्रत्याशी गढ़वाल से गणेश गोदियाल। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी फिजूल की बातें करती है, उनकी पांचों लोकसभा सीट पर कांग्रेस ही जीत दर्ज करेगी। और उन्होंने प्रधानमंत्री का बयान का भी खंडन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इतने बड़े ओहदे हैं, इतने बड़े पद पर हैं, उन्हें ऐसी बयानबाजी सही नहीं लगती। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून। उधर उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान हो चुका है और इसके बाद बीजेपी की ओर से कई वरिष्ठ नेता अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। इस बार जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में अब अन्य राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसके लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से चुनाव प्रचार के मद्देनजर टीम को भेजा जा रहा है। हमारे राज्य में प्रथम चरण के चुनाव में पांचों सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अन्य राज्यों में अन्य चरणों में जो चुनाव होने उसके लिए उत्तराखंड बीजेपी से अन्य राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि और चुनाव प्रचार की दृष्टि से एक टीम को भेजा जा रहा है। इसमें हिमाचल में जो चार सीटें लोकसभा की हैं उसमें प्रत्येक विधानसभा सीट पर हमारे उत्तराखंड से कोई वरिष्ठ नेता वहां पर चुनाव प्रबंधन दृष्टि और चुनाव प्रचार दृष्टि भेजे जा रहे हैं। लगभग 100 लोग हिमाचल और अन्य राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए हमारे राज्य से जाने वाले हैं। उधर देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने दरअसल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हिडन एजेंडा बताते हुए लिखा कि हमला यहां पर बोला है, तीखा हमला बोला। नरेश बंसल ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को उजागर किया है तब से कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है और एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती रही है। कहा कि अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस हिडन एजेंडे को रखा है। जो घोषणा पत्र है उसका हिडन एजेंडा है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने सभाओं में कहा है कि कांग्रेस का जो 60-70 वर्षों से भारत की संपत्ति को लूटने का एजेंडा रहा और उसको लूट कर इन्होंने अपने घर भरे, देश का विभाजन भी किया, अब फिर कांग्रेस उसी प्रक्रिया पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि हम देश में संपत्ति का सर्वे कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, हमारे समाज में, हमारे देश में, हम यहां तक कि जो स्त्री धन है जिसको कानून से भी सुरक्षा है उसका भी उन्होंने कहा सर्वे कराएंगे, उनके पास कितना धन है और ये तय करेंगे कि कितना रखा जा सकता है। ये भी तय कर सकते हैं, मैं काल्पनिक रूप से कह रहा हूं अभी, कि अगर आपके पास 4 लाख है तो ये कहेंगे आप 2 ही लाख रख सकते हैं, 2 लाख रुपए सरकार जो ले लेगी। उधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक रुड़की पहुंचे। इस दौरान मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश को बांटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती है, उनके घोषणा पत्र से विकास हमेशा दूर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र से बहुसंख्यक बात जो है वो नदारत है जबकि अल्पसंख्यक को महत्व दिया गया है। कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल जब जनता के सामने चुनाव में जाता है और अपना घोषणा पत्र रखता है, उस घोषणा पत्र की अन्य राजनीतिक दलों को जनता के सामने अपनी बात रखने के लिए एक रूप में रहता अधिकार है। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उन्होंने जितने बिंदु इसमें रखे इन्होंने बहुसंख्यकवाद को पूरे घोषणा पत्र से निर्धारित किया, अल्पसंख्यकवाद को कैसे बढ़ा दे सकते हैं इस विषय को रखा, इन्होंने घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वेक्षण की बात की, उस आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में आपने कहा कि हम घर गिनवाएंगे, 60 के दशक में भी कानून बनाया था इतना पैसा परसेंट आप जमा करना पड़ेगा, यानी ये जो घोषणा पत्र है ये बहुसंख्यकवाद को और अल्पसंख्यकवाद इस रूप में डिवाइड करता है। वहीं विकासनगर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए जुबानी हमला बोला है और राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत और आर्थिक सर्वे कराने की बात कही है जो बहुत ही विघटनकारी है। राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया
जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम जातिगत सर्वे के अलावा आर्थिक सर्वे भी कराएंगे, जो बहुत विघटनकारी साबित होने वाला है, और भविष्य के लिए भारत में कौन बड़ा उद्योगपति इस प्रकार के माहौल में निवेश करेगा जहां आपकी संपत्ति को सरकार निहित करने की बात करती है, जहां आपकी अतिरिक्त संपत्ति पर जो है सरकार उन लोगों का हक बता रही है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो घुसपैठिए हों, जिनके जो है अपने यहाँ पर कोई हक नहीं है, और बाहर से आकर हमारे लोगों का हक मारने का जो काम कर रहे हों, उन पर जो है राहुल गांधी विश्वास करते हैं, वोट बैंक की राजनीति के कारण उन पर उन लोगों में संपत्ति बांटने का जो है राहुल गांधी स्पष्ट रूप से जो है अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे हैं। उधर उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव अभी बाकी है। शासन ने प्रदेश भर के निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे और अब इसको लेकर नैनीताल निवासी राजीव लोचन शाह ने दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में निकायों में प्रशासक नियुक्त करने को चुनौती देते हुए शीघ्र निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की थी। वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में नगर निकायों के चुनाव कराने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बबुलकर ने कहा है कि नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने एक PIL दाखिल की थी स्थानीय निकाय के चुनाव को समय से कराने के लिए, तो मैंने बोर्ड डिसॉल्व होने से पहले ये PIL दाखिल की थी। इसकी जो मुख्य सुनवाई है 9 जनवरी को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को और महाधिवक्ता को पर्सनल तलब किया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था कि वो 2 जून से पहले जो 6 महीने का पीरियड हो रहा है प्रशासक की नियुक्ति का, उससे पहले इलेक्शन करा देंगे। उसी को लेकर ये फाइनल तारीख हुई है। महाधिवक्ता ने अभी भी जो है सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा है कि वो इस 6 महीने के अंदर, जब से प्रशासक नियुक्त हुए हैं यानी कि 2 जून से पहले पहले इलेक्शन कराने की तैयारी में है। उसी के मद्देनज़र माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी जनहित याचिका को डिस्पोजल कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार जो है इलेक्शन जो है टाइम से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अभी ये मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, और आपको बता दें कि अभी फिलहाल क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा था, और आपको बता दें कि अभी इसको लेकर जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।